फ्रेंड आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम जो हम लोग मार्केट में खाते हैं बहुत ही टेस्टी वो भी घर पे बना के तैयार करेंगे बिना बर्फ जमे 100 परसेंट और बिल्कुल इजी तरीका है बनाना और भी सिर्फ दूध से बना के तैयार करेंगे और ना ही आपको कंडेंस मिल्क चाहिए ना ही आपको बीपी क्रीम चाहिए ना ही कोई मशीन चाहिए सिंपल तरीके से बनाएंगे जो घर पे सामान पड़ा हुआ है ताकि कोई भी बना सके बिल्कुल इजी तरीका आपको बता रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसीवी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरे चैनल पर ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो हम लिए उबला हुआ दूध वो भी फुल फैट क्रीम का दूध आपको इस्तेमाल करना है पूरा एक लीटर दूध है इसमें से चार चम्मच दूध निकाल लिए हैं और इसका क्या करना है वो आगे हम आपको बताते हैं और इसे अच्छे से उबालेंगे क्योंकि मेरा दूध पहले से उबला हुआ है अगर आपका दूध उबला हुआ नहीं है तो कच्चा दूध है पहले उसे उबाल लीजिए फिर चार बड़े चम्मच दूध को निकाल लीजिए साइड में और दूध पूरा फै, फुल फैट क्रीम ही दूध लीजिएगा अगर क्रीम वाला भी नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि फुल फैट क्रीम होता है तो जो हम आइसक्रीम बनाते हैं ना बिल्कुल क्रीमी सॉफ्ट बन तैयार होता है इसीलिए हम लोग फुल फैट क्रीम लेते हैं तो जो अगर आपके घर पे आता है दूध आप उससे बना सकते हैं तो एक लीटर हम दूध लिए थे उसमें डाले एक कप भर की चीनी क्योंकि ठंडी ठंडी आइसक्रीम में मीठा थोड़ा अच्छा लगता है तो मीठा कम हो जाता है इसलिए चीनी थोड़ा ज्यादा डाल लीजिएगा एक लीटर दूध में हम ढाई सौ ग्राम चीनी डाले थे और दो चम्मच डाल रहे हैं कस्टर्ड पाउडर बनेला वाला फ्लेवर वाला ये कस्टर्ड पाउडर है और जो दूध हम चार चम्मच निकाल के रखे थे ना उसी में दो चम्मच भर के डाल कस्टर्ड पाउडर और कस्टर्ड पाउडर हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं तो कस्टर्ड पाउडर का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे थोड़ा दूध हमारा थिक हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आइसक्रीम में आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कॉर्नफ्लोर ले लीजिए दो चम्मच और उसको अच्छे से ठंडे दूध में मिक्स कर लीजिए उससे भी दूध जो है जल्दी ठीक हो जाता है पर वनीला हम क्रीम बना रहे हैं इसलिए कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करें और बहुत ही टेस्टी बनता है अगले वीडियो में हम आपको बताए थे तरबूज से कैसे आइसक्रीम बना सकते हैं उसका भी वीडियो आप लोग को दिए है अगर नहीं देखें तो प्रियंका डीसीबी चैनल पर सर्च मार के देख सकते हैं इजी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं और दूध में हमारे आना स्टार्ट हो गया है और अच्छे से उबलने देंगे दूध को दूध को इतना उबालेंगे कि थोड़ा सा ये ठीक हो जाए ज्यादा नहीं ठीक करना है बस थोड़ा सा अपने क्वांटिटी से हल्का का कम हो जाए बस इतना उबालना है और हमारा दूध जो है अच्छे से उबल गया है तो जो कस्टर्ड पाउडर को हम घोल के रखे थे ना अब इसमें डालेंगे एक साइड से और एक साइड से चलाते जाएंगे यानी एक हाथ से आपको डालना है और एक हाथ से चलाते जाना है नहीं तो ये ठीक होता है नीचे चिपक जाएगा और दूध में लम्स भी बन सकता है आप चाहे तो किसी और का हेल्प ले सकते हैं इसमें आप एक साइड से डालिए और एक साइड से चलाते जाइए और जो कस्टर्ड पाउडर होता है उसे जब भी भी हम डालेंगे दूध में तो पहले उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे फिर उसको दूध में डालेंगे क्योंकि जब दूध में हम इसे घोले ना तो ये हल्का थिक हो जाता है दूध में जाने के बाद यानी नीचे बैठ जाता है तो इस तरीके से पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब देखिएगा दूध में हमारे कितना अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा कस्टर्ड पाउडर डालने से और कस्टर्ड पाउडर हम कौन सा लिए हैं वो भी हम आपको दिखाएं कि कौन सा हम कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किए हैं वनीला वाला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं इलायची वाला अलग अलग तरीके का फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर आपको मार्केट में मिलता है पर बनेला वाला अगर हम लोग लेते हैं कस्टर्ड पाउडर तो उससे बहुत चीज हम बना सकते हैं और उसमें बनेला फेवर रहता है तो बहुत ही टेस्टी उसका स्वाद आता है तो दूध को हमारे लगभग गाढ़ा होने लगा है आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से बिल्कुल गाढ़ा हो गया है तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे जब आप कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो आपको दूध को गाढ़ा होने में सिर्फ पांच मिनट लगता है और देखिए अच्छे से कोट हो रहा है ना बिल्कुल इसी तरीके का हमें दूध चाहिए इससे ज्यादा ठीक नहीं करेंगे क्योंकि अगर इससे ज्यादा ठीक करेंगे तो ठंडा होने के बाद बिल्कुल और भी ये ठीक हो जाएगा तो इस यही हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे तो पहले रख देते हैं दो से तीन घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा अच्छे से पहले इसको ठंडा कर लेंगे फिर इसे ग्राइंड करेंगे क्योंकि अगर हम गर्म ही ग्राइंड करते हैं तो उतना अच्छा हमारा आइसक्रीम नहीं बनता है इसीलिए पहले इसको ठंडा कर लेते हैं तो ठंडा करने के लिए हम बड़े से बोल में इसको ट्रांसफर कर लिए और दो घंटे के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है देखने में और आपको हम फिर से दिखाते हैं कितना ये क्रीमी बना हुआ है आप देख सकते हैं सिर्फ कस्टर्ड पाउडर डालने से ही हमारा दूध बिल्कुल ठीक हो गया है तो जब आप दूध अच्छे से उबाल लीजिएगा या फुल फैट क्रीम दूध लीजिएगा ना तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा और आप ये देखिए ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है इसलिए हम आपको बोले थे कि ज्यादा हमें दूध को गाढ़ा नहीं करना है अगर हम दूध को ज्यादा गाढ़ा करते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके का दूध हमें चाहिए दूध हमारा बिल्कुल परफेक्ट ठीक हुआ है और उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और सारे दूध को इसमें डाल देंगे और डालेंगे दो चम्मच भर के मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर डालने से ये होगा कि हमारा जो आइसक्रीम है बिल्कुल क्रीमी बनेगा सॉफ्ट बनेगा और बिना बर्फ जमे हुए बनेगा 100 परसेंट ये गारंटी है कि आपके आइसक्रीम में बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर इस तरीके से आप आइसक्रीम बनाना जान जाइएगा तो कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को तो खास करके हमेशा पसंद आता है तो आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं जब भी उनका मन करे आप उन्हें निकाल के दे सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है एक बार जरूर ट्राई करिएगा तो दो चम्मच भर के हम डाले हैं मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर कौन सा कंपनी का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अमूल कंपनी का इस्तेमाल करते हैं आप चाहे तो पाउच वाला जो मार्केट में मिलता है ना मिल्क पाउडर पांच रूपए का वो वाला भी लाके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये देखिए हम इसको चला लिये अच्छे से मिक्सी जार को रुक रुक के हम चलाए और बिल्कुल इस तरीके से इसे हम ग्राइंड कर लिए है तो इसी तरीके से ग्राइंड करना है इससे ज्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे टोटल आपको दो से तीन मिनट तक इसे ग्राइंड करना है रुक रुक के ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए उसके बाद इसे जमाने के लिए हम इस तरीके का प्लास्टिक का बोल लिए हैं अगर आपके पास प्लास्टिक का बॉल नहीं है तो जो आपके पास टिफिन होता है ना खाना बच्चों को देते हैं उसमें भी आप जमा सकते हैं या किसी गिलास में या प्लास्टिक के ग्लास में जमा सकते हैं हम जो तरबूज का वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया है आइसक्रीम का तो उसमें हम कैसे जमा है वो भी आपको बताए रोल कट कुल्फी का भी आइसक्रीम का भी वीडियो हम आप लोग के लिए अपलोड किए हैं कि रोल कट कुल्फी घर पे हम कैसे बना सकते हैं तो उसको हम गिलास में जमा के आपको दिखाए थे तो उस तरीके से आप जमा सकते हैं जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ऐसा बॉल नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा उसके बाद सिल्वर पेपर से इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे ताकि इसमें आइस क्यूब्स न जमे इस तो ये होता है कि इसमें आइस क्यूब नहीं जमता है बिल्कुल भी बिना बर्फ जमे हुए ये आइसक्रीम हमारा तैयार तो होता है अगर आपके पास सिल्वर पेपर नहीं है तो आपके पास जो दूध का थैला आता है ना उसे धो लीजिए प्लास्टिक को और उसको कट करके पूरा अच्छे से इसको ढक दीजिए दूध को हल्का टच करते हुए हमें ढकना है ताकि इसमें बर्फ थोड़ा से भी ना जमे और इसको इस तरह से ढक्कन लगा देंगे ढक्कन लगा के पूरी नाइट भी आप छोड़ सकते हैं या छह से साठ घंटे के लिए छोड़ दीजिए अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो पूरी नाइट छोड़ दीजिए और सुबह में आप इसे निकाल के देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल क्रीमी बनता है तो इसे हम इस तरीके से बंद करके और रख देते हैं फ्रीजर में पूरी नाइट के लिए और अगले दिन हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो आइसक्रीम है बने कितना टेस्टी और एमी बना हुआ है तो इस टोटल हम आइसक्रीम को जमाने के लिए 10 घंटा लिए और 10 घंटे के बाद आपको हम दिखाते हैं कि हमारा आइसक्रीम कैसा जम के तैयार हुआ है तो ये देखिए पूरा कितने अच्छे से आप देख सकते हैं अच्छे से जमा हुआ है बिल्कुल आपको साइड से हल्का दिख रहा होगा हम आपको इसको खोल के दिखाते हैं कि कितने अच्छे से हमारा आइसक्रीम जो है वो जमा हुआ ये देखिए वाव बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना क्रीमी आइसक्रीम जमा हुआ है बिल्कुल बर्फ का आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि इसमें बर्फ जमा हुआ है बहुत ही टेस्टी हमारा वनीला आइसक्रीम घर पे बनके तैयार हो गया जो मार्केट में हम लोग खाते हैं और वो भी सिर्फ दूध से हम लोग बना के तैयार किए ना ही आपको इसमें क्रीम डालना था ना ही कंडेंस मिल्क डालना था और बहुत ही ईजी तरीके से बनकर तैयार हो गया तो इस तरीके से एक हम चम्मच ले लिया और चम्मच से आपको हम करके दिखा रहे हैं कितना देखिए बिल्कुल आसानी से निकल रहा है ना कितना सॉफ्ट लग रहा है देखने में और ये देखिए हमारा वनीला आइसक्रीम कितना टेस्टी यम्मी बनकर तैयार हो गया तो इस तरीके से बनाइए बच्चों को खिलाइए और सर्व करिए बहुत ही टेस्टी बनता है और इस तरीके से आप कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर का वनीला फ्लेवर का या जो भी आपको आइसक्रीम खाने का मन हो आप इस तरीके से घर पे बनाइए और बच्चों को सर्व करिए बहुत ही टेस्टी बनता है और आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा वीडियो पसंद आया आएगा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसीबी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट आप कौन सा कुकिंग सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कॉमेंट में बताइएगा और ये देखिए कितना यम्मी और टेस्टी हमारा जो है वनीला आइसक्रीम घर पे बनके तैयार हो गया और इस तरीके से आप कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम बना सकते हैं और आइसक्रीम बनाना बिल्कुल इजी है सिर्फ आप दूध से बना के तैयार कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है बीपी क्रीम नहीं है तो आप आइसक्रीम नहीं बना सकते हैं तो हम आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान सा कोशिश किए हैं आइसक्रीम बनाने का वीडियो बताने के लिए कि ताकि अगर आपका मन है आइसक्रीम बनाने के लिए तो आप घर पे बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पास सामान नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं जो आपके पास घर पे पड़ा हुआ है उसी बना लीजिए अब हम चले ठंडा ठंडा आइसक्रीम एंजॉय करने तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय अपना ख्याल रखिएगा